हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का वीडियो है आपके विकास और प्रशिक्षण से रिलेटेड। तो इस संस्था का, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूर्य फाउंडेशन, जो कि एक NGO है और एक बड़े लेवल का एक NGO है, जो कि युवाओं के समग्र विकास और प्रशिक्षण के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है। तो इस संस्था का जो उद्देश्य है कि देश के जितने भी जो युवा हैं, जो तेजस्वी, लगनशील और जो नव युवक हैं, उनका सही दिशा में उनका निर्माण करना और उनको जॉब प्रोवाइड करना। तो इसमें अभी आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट अभी 31 मई है। तो इसके लिए आपको इंटरव्यू देना होगा और 6 माह की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको OJT का मतलब है ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब आपको यहाँ पर एक तरह से सैलरी भी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो संस्था है सूर्य फाउंडेशन, ये आपके RSS मतलब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उससे रिलेटेड एक सामाजिक संस्था है। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप CA का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो यहाँ पर तो आपका जैसा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप फ्रेशर हैं, तो 5 से 6 लाख रुपए आपको यहाँ पर ये मिलते हैं और परफॉर्मेंस के आधार पर आपको ट्रेनिंग के बाद मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग के आधार पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर आप CA हैं या इंजीनियर्स हैं, जिसमें आप IIT हो, NIT हो, तो आपको एक मिनिमम जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। और साथ ही आपको OJT आपको मिलने वाला है, मतलब साथ ही आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ ये पैसा भी आपको मिलने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग, जैसे अगर आप MBA हैं, तो 15 लाख रुपए तक का आपको एनुअल मिलने वाला है MBA के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर्स के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएट भी अगर आप हैं, तो देख सकते हैं कि अगर आप MCA, MEd, BEd, MSW, MSc, MCom, MA अगर आप हैं, तो भी आपको 2 से 3 लाख रुपए का आपको पर एम OJT मिलने वाला है। तो आप अगर आप BCA, BBA, BA या BCom भी अगर आप हैं, या किसी प्रकार का अगर आपने डिप्लोमा भी ले रखा है, तो भी आप इस सूर्य फाउंडेशन में आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लॉ की डिग्री रखते हैं, कि आपने LLM या LLB अगर आपने किया है, तो 3 से 6.5 लाख रुपए तक का जो पर ईयर का आपको एनुअल जो पैकेज है, आपको इससे मिल सकता है। और अगर आप और भी अधिक प्रतिभाशाली अगर आप हैं, तो इससे भी अधिक वेतन आपको मिलने वाला है सूर्या फाउंडेशन के लिए। तो इसके लिए जो कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आप PhD होल्डर हैं, तो भी आपको सैलरी आपके इंटरव्यू के दौरान होगी। आप योग शिक्षक, प्राकृतिक चिकित्सक या कराटे टीचर, म्यूजिक टीचर, स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश, स्क्रिप्ट राइटर हिंदी या इंग्लिश, या डेटा ऑपरेटर और क्लर्क भी अगर आप हैं, तो भी आपके लिए सूर्य फाउंडेशन आपको जॉब प्रोवाइड करवाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ में 6 महीने की ट्रेनिंग। तो सूर्य फाउंडेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिनिमम है, आप ग्रेजुएट अगर आप हैं, ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनी जो अगर आप हैं, तो अगर आप 10वीं 11वीं या 12वीं की परीक्षा भी अगर आपने पास कर ली है, अगर आपने, मैं वापस से रिपीट कर दूं, अगर आपने 2023 में, जो कि अभी करंट में चल रहा है, 10वीं 11वीं या 12वीं की परीक्षा भी अगर आपने पास कर ली है, और पिछली कक्षाओं में आपके 60% अंक अगर आपके आए हैं, और मैथ्स में अगर आपके 75% अगर आपने अंक प्राप्त किए हैं, तो भी आपको 6 महीने की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे 6 महीने के दौरान आपको आपका जो आवास, भोजन वगैरह जो होगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साथ ही आपको 5,000 रुपए स्कॉलरशिप भी आपको मिलने वाली है, मतलब आपका ट्रेनिंग भी आपको मिलने वाली है, साथ में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन MBA और MCA भी आपको यहाँ पर से करवाया जाएगा। साथ ही आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही 5,000 रुपए स्कॉलरशिप भी आपको मिलने वाली है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ ही आपको 11वीं क्लास में अगर आप हैं, तो 8,000 रुपए, 12वीं में 10,000 रुपए और ग्रेजुएशन में 12,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो आप किसी भी क्लास में अगर आप हैं, आप 10वीं में हो, 11वीं में हो, या किसी भी क्लास में हो, MBA हो, MCA हो, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर आपका प्रतिमा जो वेतन है, वो इससे भी अधिक आपका हो सकता है। तो आप किसी भी कक्षा के लिए अगर आप हो, तो आपको इसके लिए एक बार अप्लाई जरूर करना चाहिए। और आवेदन जो है हिंदी या इंग्लिश में आप दे सकते हैं, आपको अपना बायोडाटा साथ में भेजना है। साथ में आपने अगर कभी NCC, NSS, संघ शिक्षा वर्ग, जो RSS के जो शिविर लगा करते हैं, गर्मियों में लगते हैं, सर्दियों में भी लगते हैं, अगर वो आपने अगर कभी कैंप किया हो, या कभी आप सेवा भारती, विद्या भारती या वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय, छात्रावास या संघ या परिषद या विविध क्षेत्रों से अगर आपका संबंध रहा हो, तो भी आपको इसके बारे में बताना है। सूर्य फाउंडेशन में अगर आपका कोई परिचित हो,
मतलब अगर आप कोई रेफरेंस अगर आप दे सकते हैं तो भी आपको उसकी जो डिटेल है वो आप साथ में भेजें, साथ ही मार्कशीट की फोटो को भी भेजें और अपना पूरा बायोडाटा जो है सीवी आवेदन आपको भेजना है, ईमेल भी अगर आप कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट जो है इसकी 31 मई 2023 है और इसका जो एड्रेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू दिल्ली में है और इसके अलग अलग स्थानों पर पूरे इंडिया में इसके अलग अलग काफी सारे जो सेंटर है वो बने हुए हैं। और अगर आप अपना सीवी भेजना चाहते हैं तो suryainterview@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। और अब मैं इसकी जो वेबसाइट है वो भी एक बार मैं आपको विजिट करवा देता हूं। तो आप गूगल पे जाके आप यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्या फाउंडेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसकी वेबसाइट पर एक बार आप जरूर विजिट करें। तो सूर्या फाउंडेशन की वेबसाइट पर विजिट करके आप इस संस्था के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो लगभग आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपकी कुछ भी एजुकेशन आपकी रही हो, तो ये एक एनजीओ है जहां पे आप देख सकते हैं कि इस समय एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप 2023 भी अभी आपका जो लग रहा है जो कि 18 से 28 मई है और 1 से 11 जून तक आपका लगने वाला है, जिसमें आप 1,000 रुपए देके रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे करवा सकते हैं। 10 दिन का ये जो शुल्क रहेगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एनजीओ है जहाँ पे आपके यूथ डेवलपमेंट, आपके हेल्थ केयर, योगा वगैरह के बारे में, आइडियल विलेज वगैरह के बारे में आपको इसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे काफी बड़े लेवल पर आपका एक एनजीओ है जो आपकी साथ साथ आपको ट्रेनिंग देता है, युवाओं के लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है और यूथ डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है आपको चलने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पब्लिकेशन, यहाँ से आप बुक वगैरह के बारे में देख सकते हैं, न्यूज वगैरह देख सकते हैं और आपको करियर जो ओरिएंटेड है वो भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो संस्था है जिसमें आप अपना जो सीवी है यहाँ पे जाके आप अप्लाई फॉर न्यू वैकेंसी के ऊपर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने वापस से डाउनलोड किया है, तो यहाँ से आप आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने कोई भी एजुकेशन हो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे और साथ ही आप अपना जो अपलोड जो आपका सीवी वगैरह जो है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा लिया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी तरीके की आपको एजुकेशन आपकी रही हो, तो यहाँ से आप अपलोड सीवी यहाँ पे आप जाके और अपना जो सीवी है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और 31 मई का आप ध्यान रखें और इस एक जो संस्था से आप जुड़ कर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो इनके जो एलुमनाइज हैं वो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो संस्थापक हैं वो बहुत बड़े लेवल पर ये काम कर रहे हैं। तो नेचर के साथ मिलकर आप इस संस्था से जुड़ें, तो सूर्या फाउंडेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप किसी भी एजुकेशन लेवल पर जाके आप इनका आवेदन अभी आप आवेदन करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।